आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त मातृशक्ति महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। आपको बता दें कि मंत्री स्वाति सिंह के द्वारा सरोजनी नगर विधानसभा में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री स्वाति सिंह खुद इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन इस वक्त हो रहा है, जहां पर मंच पर स्वाति सिंह खुद मौजूद है। दीप प्रज्वलित करके आज के इस मातृशक्ति सम्मेलन का शुभारंभ करें। देखिए, एक दीपक हमें कितना कुछ सिखाता है। एक दीपक कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, एक दीपक जला दीजिए, उस अंधकार को परास्त करके रोशनी की किरणें फैला देता है। केवल एक दीपक, ताकि ना मंदिर ना शिवालय के लिए जलता है, दिया तो दिया है उजाले के लिए जलता है। है अंधेरा घना रोशनी चाहिए, दर्द जो पी सके रागनी चाहिए, और प्राण दे दे जो हंस के वतन के लिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। तेहरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है। दीप जला करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। ये हमारी मान्यता है, अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश चहुरो व्याप्त हो जाए, इसी मंगल कामना के साथ हम दीप प्रज्वलित करते हैं। देहरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है, अंधकार को दूर भगाना अच्छा है। बाहर लाखों दीप जले हैं, जलने दो, भीतर मन का दीप जलाना अच्छा है। ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। एक बार आपकी कर्तव्य ध्वनि के बीच में दीप प्रज्वलन हो, एक बार आपकी सहमति हो, आप इस दीप प्रज्वलन समारोह के सहमति, आपकी सहमति हो और आपकी सहमति से दीप प्रज्वलन हो, इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप सबकी तालियां हो, सभी लोग इस दीप प्रज्वलन समारोह को अपनी सहमति प्रदान करें। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत मातृशक्ति सम्मेलन में। आप सभी गरिमामयी माताएं बहनें, आप सभी पूजनीय माताएं बहनें, आप सभी पूजा के योग्य, श्रद्धा के योग्य माताएं बहनें, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के बीच इस मातृशक्ति सम्मेलन का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ है। साक्षी है ये धरती, आसमान साक्षी है, साक्षी है दसों दिशाएं, साक्षी है प्रकृति का कण कण, साक्षी है आप, साक्षी है आप और आपकी अंतर चेतना। अब भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण माननीय मंत्री जी करने जा रही हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपना सहमति जरूर प्रदान करेंगे। भारत माता मां भारती के हम सपूत हैं, हम मां भारती के सपूत हैं। हमने हमेशा से कहा है कि जहां लिखी होगी नफरत, हम प्यार मोहब्बत लिख देंगे। जहां लिखी होगी नफरत, हम प्यार मोहब्बत लिख देंगे। लिख देंगे गीता के श्लोक, कुरान की आयत लिख देंगे, और जो भारत माता की धरती पर डालेगा पूरी नजर उसके। मातृशक्ति सम्मेलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मंत्री स्वाति सिंह मौजूद हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सरोजनी नगर की विधायक इस वक्त मंच पर आसीन हैं। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की तस्वीरें अभी आपने देखी, जहां पर स्वाति सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया था। अब इस पूरे कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत होने जा रही है, जहां पर अब महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम अब शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि 15,000 महिलाएं आज इस पूरे कार्यक्रम में सम्मानित की जाने वाली हैं। वो महिलाएं जो स्वरोजगार की तरफ बढ़ रही हैं, वो महिलाएं जो स्वावलंबी हैं, वो सभी महिलाएं जो सशक्त हैं
और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन सभी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए और बाकी की महिलाओं को इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस वक्त ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। मातृशक्ति सम्मेलन भाजपा के द्वारा आयोजित ये पूरा कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए इस वक्त संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में जो महिलाएं इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो चुकी हैं और इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही हैं, आज उनको सम्मानित करने का दिन है। सभी उन महिलाओं के लिए गौरवान्वित दिन है जो आज मिसाल पेश कर रही हैं, बाकी उन सभी महिलाओं के लिए जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। उन महिलाओं का आज सम्मान होगा जो आज स्वावलंबी हो चुकी हैं, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, खुद आमदनी कर रही हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। ऐसी सशक्त महिलाएं, बहादुर महिलाओं को आज सम्मानित किया जाएगा। बड़े स्तर पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंत्री स्वाति सिंह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। मातृशक्ति सम्मेलन ना सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बेहतर कार्य है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम प्रयासों, उन तमाम कोशिशों और मंत्री स्वाति सिंह के उन तमाम परिश्रम का फल है, जिसका आज उसका फल का आज जो है सम्मानित करने का दिन है, उसे उसका जश्न मनाने का दिन है। मंत्री स्वाति सिंह इस वक्त आप देख पा रहे हैं मंच पर मौजूद हैं और अब मंत्री स्वाति सिंह जो है कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सम्मानित करने जा रही हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों। सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रतिनिधि श्रीमान विनोद भसीन जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि विनोद भसीन जी का माननीय मंत्री जी पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें। मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने जगह पे बैठे रहें, नाश्ता आप लोगों तक पहुंचेगा। मैं निवेदन करूंगा जो भी माताएं बहनें इधर उधर टहल रही हैं, आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। ये पानी और भोजन सब तक आराम से वितरित हो रहा है, आप लोग कृपया संयम और धैर्य के साथ अपने जगह पे बैठे रहें। सारे लोगों तक हमारे कार्यकर्ता पानी और नाश्ता पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर।
राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता की